विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महानगर जबलपुर द्वारा एक अभूतपूर्व पहल के रूप में समरसता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू होकर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तक जाएगी। इस अनूठी यात्रा की कुल दूरी लगभग 830 किलोमीटर है, जिसमें 50 बाइक और 6 कारों के साथ 120 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में समरसता का संदेश प्रसारित करना और एकता की भावना को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिभागी रास्ते में आने वाले सभी प्रखंडों और जिलों में समरसता और एकता के संदेश को फैलाएंगे। यह यात्रा न केवल सामाजिक समरसता का परिचालक है, बल्कि यह हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूती प्रदान करती है। हम समाज के सभी वर्गों से इस यात्रा के प्रति समर्थन और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। समरसता यात्रा के माध्यम से हम भारतीय समाज में एकता और सामंजस्य की नई लहर पैदा करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल नीरज धनोरिया, समरसता यात्रा प्रमुख ऋषभ अरखेल, प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह, प्रांत संयोजक महाकौशल, प्रांत यतेंद्र पाठक, नवीन जैन, विदर्भ प्रांत संयोजक बजरंग दल एवं समस्त महानगर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मौजूद रहा। धनोरिया बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक, संपूर्ण देश ने अभी देखा 22 जनवरी को श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष के बाद हुआ, तो संपूर्ण देश को हम सब हिंदू एक के भाव से हिंदवा सोदरा सर्वे हिंदू पत्तो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू हम सब एक हैं, समानता के भाव से हैं, हम सब हिंदू एक हैं, क्योंकि राम ने सबके बीच में काम किया। प्रभु श्री राम सबके हैं, श्री राम हमारी सभ्यता विरासत हमारी संस्कृति है। राम ने इस निषाद के साथ भी काम किया, सभी के झूठे बेर भी खाए, चित्रकूट में जब रहे तो जिसे आप जनजाति कहते हैं उन सबके बीच में रहे। राम ने समरसता का संदेश दिया, इसलिए बजरंग दल ने तय किया कि दीक्षा भूमि जहाँ भीम अम्बेडकर जी का समाधि स्थल है वहाँ से लेकर के श्री अयोध्या धाम तक उस प्रांत की यात्रा निकालेंगे, समरसता यात्रा का नाम देंगे उसको, और अगले वर्ष इस यात्रा को व्यापक पैमाने पर करेंगे। क्योंकि इस समय पूरे देश में आह्वान किया गया है कि संपूर्ण देश से सभी जो कार्यकर्ता हिंदू समाज है वह यात्रा के लिए व दर्शन के लिए जा ही रहा है, इसलिए आज सांकेतिक यात्रा के रूप में है। अगले वर्ष से ये व्यापक होगी, जब यात्रा दिशा मुझे चला करेगी तो प्रत्येक जिला भी जुड़ता जाएगा और हजारों की संख्या में प्रत्येक मोटरसाइकिल बाइकें जाया करेंगी। दृष्टिकोण यही रहेगा कि हिंदू हम सब एक के भाव से, समानता के भाव से, समता के भाव से, और हिंदू शक्तिशाली हो समृद्धशाली हो वो तभी होगा जब हिंदू हम सब एक रहेंगे, एक होकर चलेंगे। इसीलिए तय किया है कि यह यात्रा के माध्यम से एक समाज को संदेश देने के लिए कार्य किया है। बजरंग दल का संयोजक नवीन जैन हूँ। विदर्भ प्रांत की जो समरसता यात्रा 9 तारीख को नागपुर के दीक्षा भूमि से निकल कर प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में यह यात्रा जा रही है, यह यात्रा का मकसद है समरसता की भावना। जो समाज हमसे दूर है, जो समाज हमको अपने आप से दूर समझता है, उस समाज को लेकर ये यात्रा निकली हुई है। ये यात्रा 9 तारीख को लेकर निकली है। 830 किलोमीटर की यात्रा जो 13 तारीख को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में पहुंचेंगी। इस यात्रा में 50 बाइक और 6 फोर व्हीलर हैं, कुल मिला के 120 कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ में चल रहे हैं। हर प्रखंड उसमें कवर करने की अपन कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिले तक ये यात्रा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक ये यात्रा पहुँचे, इस भावना को लेकर समरसता यात्रा लेकर चल रहे हैं। नाम बता दीजिए। नवीन जैन, बजरंग दल प्रांत संयोजक, विदर्भ प्रांत।